नमस्कार दोस्तों दोस्तों मेरे एक व्यूअर ने एक प्लान भेजा है। वो घर बनाना चाहते हैं, 2400 स्क्वायर फीट का प्लाट है, 40-60 का, दक्षिण मुखी है, और वो दो भाई हैं तो दो पोर्शन में बनाना चाहते हैं। तो वो जो प्लान भेजा है ये है, यानी 60-40 का है, दक्षिण मुखी है। जो नॉर्मली जुड़वा घर बनाने वाले गलती करते हैं, वो गलती यहाँ भी हुई है। 99% जो जुड़वा घर बनाते हैं ऐसी गलती करते ही हैं, क्योंकि इसमें कभी अच्छा वास्तु हो ही नहीं सकता। अब इन्होंने ये वरंडा रखा है, अब इन्हें पूरे बीच में दीवार बना दी है, दो पोर्शन बना दिए। कहने को जुड़वा है पर उसके इन्होंने यानी 2400 स्क्वायर फीट में इन्होंने कर लिया और 1200 स्क्वायर फीट में इन्होंने बना लिया। घर पास पास है, पर जैसे यहाँ पूजा तो इन्हें पूजा यहाँ रख दी, यहाँ वरांडा तो इन्हें यहाँ रख दिया, यहाँ सीढ़ी तो नैया रख दी, मिरर इमेज, ये बेडरूम, ये बेडरूम, 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 ये टॉयलेट बाथ, टॉयलेट बाथ, ठीक है ना। अब आप देखिए, ये तो संभव नहीं है कि यदि कोई वास्तु से कोई किसी जगह की पोजीशन, मतलब जैसे साउथ में अच्छी है तो इधर तो फिर, एंड वेस्ट में अच्छी है तो नॉर्थ तो अच्छी हो ही नहीं सकती, ईस्ट में अच्छी हो ही नहीं सकती है, ठीक है। जैसे वेस्ट का किचन चलता है तो ईस्ट का किचन बिल्कुल नहीं चलता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। अब आप देखिए इसमें गलती क्या हुई है कि पूजा घर इनने आगे रखा, ठीक है, इनकी इच्छा पूजा घर आगे रखें। पूजा का सबसे अच्छा तरीका होता है ईशान कोण में रहे या पूर्व उत्तर या पूर्व दिशा में रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है, नहीं हो तो फिर ड्राइंग रूम के ईशान कोण में हो जाए, ठीक। तो ये गलत स्थिति है एक। ये वरांडा दिया, इस पोर्शन के लिए हो गया निरुत्त कोण का, दक्षिण निरुत्त का वरांडा हो गया, एंट्री दक्षिण निरुत्त की हो गई, जबकि इनकी हो गई दक्षिण अग्नेय की हो गई, अग्नेय के इधर होगी, ये निरुत्त के इधर आ गए, तो एंट्री इसकी सही है, इसकी एंट्री गलत हो गई। ये ऊपर जा रहे हैं तो ये जा रहे हैं ऊपर निरुत्त से और ये जा रहे हैं पूर्व अग्नेय से, तो ये चल सकती है दोनों ऊपर जाने के लिए, ठीक है ना। एक अब अंदर आ जाइए तो अंदर आने पर यहाँ से अंदर आएंगे तो अब ये यहाँ जा रहे हैं, इसके बाद अब ये घर में जा रहे हैं निरुत्त कोण से, इसका निरुत्त कोण है, इसका दक्षिण निरुत्त है, ये जा रहे हैं दक्षिण अग्नि से, इनका यह मामला बिगड़ गया है यहाँ पर, यहाँ पर आकर यहाँ गलत हो गया इनका, इनका यहाँ सही था इनका यहाँ गलत हो गया। ये दरवाज़ा पूर्व अग्नि का हो गया, इनका पश्चिम निरुत्त का हो गया, ये दोनों गेट गलत हो गए। ये सही है दूसरा, ये किचन है तो ये किचन हो गया इनका वेस्ट का, ये किचन सही है, अब इनका हो गया पूर्व का। अब पूर्व का जो किचन हुआ ईस्ट का, अब ये किचन होने पर यहाँ तो क्या रहेगा, पश्चिम में किचन है तो घर की जितनी महिलाएं रहेगी उनमें तालमेल रहेगा, घर में कितने संभाल के बनाएंगे पर खाना बचेगा, बांटना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, इसे प्रभु कृपा समझें, बर्बादी समझो आपकी इच्छा, पर प्रभु कृपा समझना चाहिए। पर पूर्व में किचन आ गया तो घर की मालकिन के पास सब कुछ होते हुए नाखुश, उसे यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम, उसे सब ब्लड सर्कुलेशन से लेकर शरीर में प्रॉब्लम, कई बार उदासी के दौरे, ये समस्या आएगी, ठीक है ना। तो अब ये किचन इसके लिए ठीक हो गया पर इसके लिए ख़राब हो गया। इधर आइए, ये जगह इन्होंने अब इधर टॉयलेट दिया तो ये पैसेज में जगह वेस्ट कर दी, बहुत दूसरा तरीके से प्लान बन सकता था। ये दरवाज़ा इनका हो गया दक्षिण, इस रूम के लिए दक्षिण अग्नि का, ये शुभ है पर ये दक्षिण निरुत का हो गया, तो ये दरवाज़ा सही नहीं है, जो इस कमरे से होएगा वो परेशान रहेगा। ये बात यहाँ लागू होती है, यहाँ दरवाज़ा ये सही हो गया तो ये दरवाज़ा गलत हो गया, ये टॉयलेट ईशान कोण का हो गया। अब यदि बाई इंडियन टॉयलेट बना और ये ऊँचा हो गया तो इनको ज़्यादा दिक्कत आएगी, इनका टॉयलेट बाई में चला गया दिक्कत नहीं, इनको ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो दोस्तों कभी भी इस तरीके से प्लानिंग नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत तरीका है जुड़वा मकान बनाने का। जुड़वा मकान ऐसे बनता है कि जैसे ये एक वास्तुनुकूल बनाया, ऐसा कैसे उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ एंट्री है तो इसकी एंट्री यहाँ हो गई, इसका किचन बाय द वे यहाँ सही है तो इसका किचन भी यहाँ आ गया। इस तरीके से वैसा का वैसा उठा के रख दीजिएगा, वैसा बनाइएगा, कभी मिरर इमेज मत बनाइएगा। मैंने ऐसे बहुत से मकान देखे हैं जुड़वा, जहाँ मिरर इमेज रही वहाँ उनके दोषों के हिसाब से दोनों परिवारों के जो सदस्य थे उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।